नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में शामिल। बसपा के शीर्ष नेताओं में से एक और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। मौर्य ने बसपा के कई पूर्व मंत्रियों एवं पूर्व विधायकों के साथ सैकड़ों की संख्या में आए अपने समर्थकों एवं सहयोगियों को आह्वान किया कि वे 2017 में भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने के प्रयास में जुट जाए। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उपाध्यक्ष ओम माथुर की मौजूदगी में पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मौर्य को अंग वस्त्र पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया। कश्मीर के माचिल सेक्टर में मुठभेड़, दो जवान शहीद। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास माचिल सेक्टर में सोमवार को एक अभियान में बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए और एक आतंकवादी भी मारा गया। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में एक अभियान शुरू किया था। कश्मीर हिंसा में 3,300 सुरक्षा कर्मी घायल। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में भड़की हिंसा में 3,300 से अधिक सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि इनमें से कई को गंभीर चोटें भी आई हैं। हिंसा में दो पुलिस कर्मियों की मौत भी हुई। दौरान घाटी में 1,109 हिंसक झड़पें हुई तथा 1,030 प्राथमिकियां दर्ज की गईं। पाकिस्तान के एक अस्पताल में विस्फोट। पाकिस्तान के हिंसाग्रस्त बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के एक अस्पताल में सोमवार को हुए बम धमाके में 45 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री रहमत सालेह बलूच ने बताया कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार धमाका उस वक्त हुआ जब बिलाल अनवर कासी नाम के एक वकील के शव को लेने के लिए अस्पताल में कई लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें ज्यादातर वकील और पत्रकार थे। बिलाल की सोमवार को ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। आईएस आतंकियों के हाथ लगे अमेरिकी हथियार। इस्लामिक स्टेट से जुड़े पूर्वी अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने अमेरिकी सैनिकों के हथियार पा लेने का दावा किया है और अपने इस दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने इन हथियारों के चित्र भी जारी किए हैं। पाकिस्तानी समाचार पत्र डॉन की खबर के अनुसार आतंकवादियों ने जो चित्र जारी किए हैं वह पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर, रेडियो, ग्रेनेड सहित अन्य हथियारों के हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर अफगानिस्तानी सैनिक नहीं करते। हालांकि काबुल में अमेरिकी सैनिक कमान ने इस दावे का खंडन किया है। ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिक को दे दी फांसी। ईरान ने रविवार को उस परमाणु वैज्ञानिक शहराम अमीरी को फांसी दे दी जो देश छोड़कर 2009 में अमेरिका चला गया था और एक साल बाद रहस्यमय परिस्थितियों में देश लौट आया। अधिकारी ने कहा कि पहली बार उन्होंने गुपचुप तरीके से उस व्यक्ति को हिरासत में रखा, उस पर मुकदमा चलाया और सजा दी, जिसका सम्मान कभी नायक के तौर पर किया गया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।